यू नो सिंड्रोम ड्रोम सेट ऑफ सिम्टम्स सिंड्रोम यानी डिसऑर्डर एंड देर फोर हंड्रेड परसेंट एक वॉट इज हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी सिंड्रोम क्या है यह बीमारी होता क्या है इसमें आदमी का स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का होता है उसका थिंकिंग किस तरह का होता है यह बहुत जरूरी है समझना तो यह है उसका डेफिनेशन हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी सिंड्रोम का डेफिनेशन यह है थोड़ा वक्त मैं यहां पर लेने वाला हूं और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे ये उसका डेफिनेशन है और सीडी ले लेके इसको बार बार देखना हर दिन देखना आने वाले बीस तीस दिन और इस डेफिनेशन को बार बार देखते रहना इसको बायट कर देना और डेफिनेशन इस तरह से जाता है हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी सिंड्रोम का डेफिनेशन इस तरह से जाता है एन ऑप्सेशन विथ हंड्रेड परसेंट मॉडल एन ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी एक मेनिया एक ऑप्शन बोलता ना ये मैं ऑप्सस्ट हो गया यही लड़की से शादी करूंगा नहीं तो आत्महत्या करूंगा तो ये ऑप्शेस्ट हो गया ऑप्शन एन ऑप्सेशन विथ ए हंड्रेड परसेंट परफेक्ट मॉडल एक पागल जुनून हंड्रेड परसेंट परफेक्ट मॉडल जो मेरे दिमाग में है. इन द माइंड इन द माइंड यह हंड्रेड परसेंट मॉडल कहां पर है कहां पर है इट इज इन द माइंड किसका माइंड में मेरे माइंड में मेरे माइंड में मैंने एक मॉडल बनाया कि जिस आदमी को लूंगा वो ऐसा होना चाहिए और जो आता है वो मॉडल से कभी मैच नहीं होता मैं ये काम एक मॉडल बनाया कि मैं ऐसा टाइम पे यह काम शुरू करूंगा एक परफेक्ट मॉडल यह मेरी मन की मॉडल है यह मेरी मन की मॉडल है लेकिन वो मॉडल सिर्फ मेरे मन में है ये हंड्रेड परसेंट मॉडल और जो एक्चुअली जिंदगी में होता है वो मॉडल के विपरीत होता है जो आदमी आ रहा है जो चीजें हो रही है वो तुम्हारे मॉडल के खिलाफ होता है और तुम है कि वो मॉडल जब तक सही मिलता नहीं है तब तक तुम डिसाइड करने को तैयार नहीं यानी एन ऑब्सेशन विद हंड्रेड परसेंट परफेक्ट मॉडल इन द माइंड डिस अलाउिंग यू डिस अलाउविंग डिसअलाउविंग यानी ये देरफोर तुम्हारा बदन और मन तुम्हें अलाउ नहीं कर रहा है Disallowing you to decide, disallowing you to decide or settle for anything less than the perfect 100%. Thereby keeping you in a constant state of handicap and confusion, leading to helplessness and unha unhappiness, and ultimately causing permanent loss of opportunity. मैंने सोचा मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूं मेरे को एक बड़ा आदमी के पास जाना है मैं छोटे छोटे लोगों के पास जाता हूं जहां से मैं पांच लाख का प्रीमियम उठाता हूं लेकिन मेरे को एक करोड़पति के पास जाने का जिधर से मेरे को दो करोड़ रुपया का प्रीमियम उठाने का है लेकिन मेरे मन में एक मॉडल बना दिया है कि जब मैं जाऊंगा मैं परफेक्ट होना चाहिए मैं तब जाऊंगा जब मेरे को वो गाली नहीं देगा मैं तब जाऊंगा जब मैंने वो सब कैपेबिलिटी मेरे में बिल्ड कर दिया मैं तब जाऊंगा जब यू you नो know, मुझे सब लोग बोलेंगे तू कर सकता है तो एक मन में मैंने मॉडल बना दिया कि मैं कब जाऊंगा मैं कब जाऊंगा मैं कब जाऊंगा वो मॉडल मैंने बना दिया मैं तब जाऊंगा जब मेरे को विश्वास हो जावे कि वो बड़ा आदमी मेरे को गाली नहीं देवे मैं तब जाऊंगा उस आदमी के पास जब वो बड़ा आदमी मेरे को फटका नहीं लगावे मैं तब जाऊंगा जब मेरी बोली बड़े लोगों के माफ हो जाएगी मैं तब जाऊंगा जब मेरे पास उस तरह के कपड़े होंगे उस तरह का गाड़ी होगा उस तरह का घोड़ा होगा उस तरह का स्टाफ होगा उस तरह का ऑफिस होगा उस तरह का विश्वास होगा तब मैं जाऊंगा वो बड़े आदमी के पास तब तक मैं नहीं जाऊंगा और वो जो मॉडल है वो मॉडल है किधर वो मेरे माइंड में क्या उस आदमी ने जिसको तुम तो मिलने जा रहा हो करोड़पति क्या उसने बोला तू तैयारी करके आना यस और नो उसने तो बोला उसको तो पता भी नहीं है उसको तो पता भी नहीं है और उसने कभी बोला भी नहीं कि मेरे पास आने वाले लोग मर्सिडीज़ में आने चाहिए अच्छा बोलने वाले होने चाहिए अंग्रेजी स्पीकिंग वाले होने चाहिए प्रोडक्ट नॉलेज में जबरदस्त होना चाहिए हाइट इतना होना चाहिए वेट इतना होना चाहिए बैकग्राउंड होना चाहिए उसका खानदान ऐसा होना चाहिए ऐसा उसने तो तेरे को बोला नहीं साली मॉडल बनी किधर किसने बनाया और वो मॉडल कभी हकीकत में आएगी नहीं क्योंकि वो परफेक्ट मॉडल है और आदमी परफेक्ट हो ही नहीं सकता मैं पूछता हूं तू है कौन सा मॉडल बनाने वाला तेरे को बुद्धि भी है क्या मॉडल क्या होती है क्यों मरवा रहा है तू कि मैं करूंगा तो ये वक्त में करूंगा जब हैव क्रिएटेड अ मॉडल एंड दैट इज नॉन एज अ हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी मॉडल क्या नॉलेज है अपने पास ऐसा मॉडल बनाने का क्या कौशल्य अपने पास ऐसा मॉडल बनाने का क्या सोच है अपना धीरू भाई बन गया फिर तू मॉडल बना रहा है क्या अरे तू कुछ भी नहीं है और मॉडल बना दिया ये मॉडल ने जितनी मारी है तेरी उतना किसी ने नहीं मारी So an obsession, obsession, a tasa obsession, a junoon, with a hundred percent perfect model in the mind, in the mind. Read it very carefully. An obsession, boliye, with a hundred percent perfect model in the mind, disallowing you to decide or settle for anything less than. परफेक्ट हंड्रेड मतलब यह तेरे को अलाउ ही नहीं करेगी डिसीशन लेने के लिए और यह बीमारी किसकी बीमारी है माइंड की और कौन सी बीमारी है यह डिसीशन ना लेने की तो इसमें क्या होता है कि यू विल नॉट टेक डिसीशन आप डिसीजन नहीं लेंगे वो नया टेक्नोलॉजी का डिसीजन नहीं लेंगे आई का डिसीजन नहीं लेंगे सिस्टम डालने का डिसीशन नहीं लेंगे आदमी लेने का डिसीशन नहीं लेंगे क्योंकि तूने एक बता दिया एक मन में मैं आदमी तब लूंगा जब मेरी औरत जवान होएगी उसकी शादी हो जाएगी मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनका एडमिशन हो जाएगा बारिश के बीच में यू नो थोड़ा सा ठंडी आना चाहिए और उसके बाद जब मेरा मूड अच्छा होगा जब बाजू वाली के साथ मेरा अच्छा रिश्ता हो जाएगा फिर ये हो जावे तब मैं जाके ये आदमी को रिक्रूट करूँगा वो मॉडल होने वाला नहीं और तू आदमी को रिक्रूट एंड उस आदमी की वजह से जितने अपॉर्चुनिटीज को तू कैप्चर कर सकता था उस आदमी को लेने की वजह से जो अपॉर्चुनिटी को तू कैप्चर कर सकता था वो बड़ा आदमी को मिलने की वजह से जो तू अपॉर्चुनिटी और पैसा नाम इज्जत शौरत धन दौलत कमा सकता था वो अपॉर्चुनिटी तो परमानेंटली तेरे हाथ से गई कि मैं बिजनेस चालू करूंगी अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे को सैतालीस में पुश किया और मेरा फादर इन लॉ भी बोला कि बेटी तू जा और मेरे बच्चे लोग भी बोले कि तू जा और बिल्डिंग वाले कमिटी मीटिंग बुला के बोले कि तू जा अब एक तो कमिटी मीटिंग में कुत्ता ऐसा निकलेगा जो बोलेगा औरत लोगों को काम नहीं करना चाहिए लग गई तेरी लग गई तेरी मॉडल किधर बना है अच्छा देयर बाय कीपिंग यू इन अंस्टेंट स्टेट ऑफ हैंडीकैप हैंडीकैप आदमी कैसा होता है मैं बिचारी मैं क्या कर सकती मैं बिचारा मैं क्या कर मेरे पास लीडर ही नहीं है अबे साले, लीडर तो होलसेल में चट्टी डाल के मार्केट में घूम रहे तेरे को नजर क्यों नहीं आ रहे तेरे को नजर क्यों नहीं आती क्योंकि नजर के पहले तेरा क्या बैठा हुआ है मॉडल बैठा हुआ है। तो तेरे को तो दिखेगी ही नहीं नंगे भी घूमेंगे ना तो भी तेरे को नहीं दिखेंगे लीडर एंड सो यू फील हैंडीकैप अच्छा ऐसा तूने एक नहीं हजारों मॉडल बनाए एक हो गए तो सलाम मार के मैं ही फिट कर दू लेकिन तूने हर चीज का एक मॉडल बना के रखा है बीवी कैसा होना चाहिए बच्चे कैसा होना चाहिए बाप कैसा होना चाहिए टीचर कैसा होना चाहिए जो आदमी आएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए पगार नहीं मांगना चाहिए मॉडल <laughs> बना दिया और ज्यादा नहीं मांगना चाहिए मॉडल बना दिया अब उस तूने मॉडल बना दिया कि मेरा परफेक्ट है कर, 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 तीस हजार रुपया राहुल तीस हजार का मॉडल तू बनाया आदमी बढ़िया सामने तैतीस में बैठा हुआ तू नहीं लेगा, लेगा। मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा And then, ऐसे कहीं जाने के बाद फिर क्या बोलता है साला उसको तो ले लेना चाहिए था उसको भी कर सारा सैतालीस में कर डालना चाहिए था सत्तावन तक तो बैठना नहीं चाहिए था ताला कम से कम एटी नाइन तो वजन कर ही डालना चाहिए था सत्तर के पीछे क्यों पड़ी मैं हरिदी इस बात से तुम बहुत अपसेट भी है इस बात से तुम गुस्से में भी है इस बात से तुम फ्रस्ट्रेटेड भी है

फ्यूज वील है पोजिशन टू एक्सपेंड माई कंपनी सो दंफ्यूशन दैट कंफ्यूशन इज देर लीडिंग टू हेल्पलेसनेस हेल्पलेसनेस को हिंदी में क्या बोलेंगे एक लाचार आदमी के मफद हम बैठे मैं क्या करूं नायर साहब तू नहीं करेगा तो मेरा बाप करेगा क्या नहीं सर आदमी नहीं आदमी मिलने के लिए तू क्या करेगा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा फिर मैं क्या करूं मैं तो बड़े आदमी के पास जा ही नहीं रहा हूं उसने बोला आ। बड़े आदमी ने बोला आ। मत जा तो तूने बोला है अपने आप को मॉडल बना के। लीडिंग टू हेल्पलेसनेस एंड अनहैप्पीनेस यू आर अनहैप्पी अबाउट इट कोई खुश नहीं है इस बात से कोई बहुत मोटिवेटेड नहीं है इस बात से So, इसके वजह से लगातार अल्टीमेटली इट इज कॉजिंग परमानेंट लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी परमानेंटली आदमी अपॉर्चुनिटी गवा रहा है अच्छा फिर क्या होता है इसके साथ वाले अगर एम्बिशियस है ना अगर इसके साथ वाले जो लोग एम्बिशियस है वो निकल जाएंगे क्योंकि तू तो कदम लेने वाला नहीं है जिससे कि कंपनी ग्रो होगा या तू ग्रो होगा या तेरा ऑफिस ग्रो होगा तो मैं देख रहा हूँ मैं तो तेरा सब है मैं तो पिछले एक डेढ़ साल से मैं को कितना आइडिया दिया कि चलो सर अपन ये करते हैं चलो कुलकर्णी साहब अपन ये करते हैं कुलकर्णी रोज बोलता है देखो मौसम अच्छा होने दो थाना मुंसिपल कॉरपोरेशन को नवी मुंबई के साथ जुड़ने दो कभी होगा नहीं होगा तो वो रुका नवी मुंबई और थाना म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन साथ में हो जावे फिर कुलकर्णी अपना धंधे को एक्सपेंड करेगा वो दिन तो तेरे मरने के पहले हो गया तो तेरा नसीब तब तक रुक तो हमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनाए अपने दिमाग में ए हंड्रेड परसेंट परफेक्ट मॉडल ओनली इन आवर माइंड एक मॉडल बना दिया हर चीज का अब मैं हर एग्जाम्पल नहीं ले सकता मैं अगर यहां पर पांच दिन खड़े रहो तो बिना रिपीटेशन का मैं पांच सौ अलग अलग एग्जाम्पल लू हर क्षेत्र में तो आप अपने आप को देखो उन एग्जाम्पलों में अपने आप को डाल के देखो वो एक्सरसाइज को लेके हो सकता है वो बच्चे लोग का पढ़ाई को भी लेके हो सकता है कितने लोग स्ट्रेस्ड है क्योंकि मॉडल बना दिया लड़का को नाइनटी मिलना चाहिए पूरा बिल्डिंग लड़के के पीछे पड़ा है और ये मां जाके बोलती है तुम्हारा क्लोज है ना मेरा लड़का बीच बीच में जब भी तुमको दिखेगा ना कॉलोनी में उसको बोलना 97 के नीचे नहीं लेके आना 97 के नीचे नहीं लेके आना 97 के नीचे एक साली मॉडल बना दिया इसने और उसकी औकात साला 47 के ऊपर नहीं है अपना जो मॉडल अपन ने जो पैदा किया उसकी औकात जो है फोर्टी के ऊपर नहीं है तूने इधर मॉडल बना दिया उसकी लग गई वो सिंपल आजकल कार्यक्रम करता आत्महत्या मॉडल फॉर चिल्ड्रन बिहेवियर स्टाफ एक्सरसाइज गेटिंग अप केतन भाई चार दिन पहले मेरे साथ मैराथन भागने वाले थे सुबह सुबह सला मैसेज भेज दिया लंबर पेन है मॉडल बना दिया लंबर पेन है तो जाने का नहीं अरे कम से कम जू बीच में हाँ हमारा चप्पल तो संभाल लंबर पेन में चप्पल तो संभाल सकते ना और चप्पल संभालने के चक्कर में हम बत्तीस लोगों को भागते हुए देख के लंबर पेन चला जाता तो वो दिन तुम भी भागते लेकिन मॉडल मॉडल ये बनाया कि लंबर पेने तो जाऊंगा नहीं एन ऑब्सेशन विथ द परफेक्ट मॉडल इन माइंड डिसीशन लूंगा तो क्या होना चाहिए शादी करूंगा तो क्या होने चाहिए लड़की परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट जॉब चाहिए मेरे को परफेक्ट एम्प्लॉय चाहिए परफेक्ट इन ऑफिस लूंगा लूंगा तो ऑफिस परफेक्ट लूंगा तो 300 ऑफिस ढूंढेगा और फिर धारावी में एक लेगा इतना लास्ट में फ्रस्ट्रेड हो गया इतना फ्रस्ट्रेड हो गया 300 ऑफिस देखा इधर उधर उधर तेल लेने गया चला भी है। और पहला वाला ऑफिस वो सच्चा ब्यूटीफुल ऑफिस उसमें सब कुछ था लेकिन फिर मॉडल के साथ मैच नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑफिस में तुमने बोला था ऑफिस ऐसा होएगा तो खिड़की खोलेगा तो उधर मंदा की नहीं रहना चाहिए ये खिड़की खोला तो ऐश्वर्य इधर से आना चाहिए वो दरवाजा खोला तो उधर अमिताभ बैठा रहना चाहिए ऐसा आसमान खोला तो उधर ग्रीनरी होना चाहिए इधर ऐसा होना चाहिए उधर झोपड़पट्टी नहीं होना चाहिए और जिधर भी जाएगा तेरे को मॉडल के अंदर एक झोपड़पट्टी आता ही है वो फ्री में है तो ऑफिस लूंगा तो परफेक्ट लूंगा डिजाइन बनाऊंगा तो परफेक्ट बना। तो डिजाइन को परफेक्ट करते 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 बैठा हुआ 300 बार डिजाइन बना रहा है तब तक दूसरे ने मैन्युफैक्चर करके माल उतार के ब्रांडिंग करके उसका 13 परसेंट मार्केट शेयर ले लिया तू अभी भी डिजाइन लेके बैठा हुआ है कि मैं बनाऊंगा मोटर का डिजाइन तो परफेक्ट जब तक बनेगी नहीं तब तक मैं वो मोटर को उतारूंगा नहीं अच्छा किसी कस्टमर ने नहीं बोला एकदम परफेक्ट बना के उतरना करके ये तो तेरी मन की बात है ये तो तेरी मन की बात है वो इंसेंटिव स्कीम हो सकता है वो डिजाइन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है सबका हमने मॉडल बना दिया जो भी करूंगा प्रपोजल बनाऊंगा तो परफेक्ट बनाऊ उसी प्रपोजल को 300 बार देख रहा है बुक पढ़ूंगा या बुक लिखूंगा तो परफेक्ट टाइम पे लिखूंगा या बुक पढ़ूंगा तो परफेक्ट टाइम पे पढ़ूंगा तो डिसीशन नहीं ले पाता बुक पढ़ने का डिसीशन बुक पढ़ने का डिसीशन क्या बुक 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 पढ़ने का डिसीशन नहीं ले पाता और हमको साला धीरू भाई बनने का है हमको सुनील मित्तल बनने का है एक बुक पढ़ने का डिसीशन नहीं ले सकता क्योंकि बुक पढ़ूंगा एक मॉडल बना दिया तो आई विल डू एवरीथिंग परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हाथ में पैसा है परफेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के तो 36 जगह पे जाके पूछते रहते बाद में ऐसा किधर जाता है कि छह महीने में चलो डूबी जाता हो अरे पिकनिक का लोकेशन के लिए आदमी लोग इतना मारा मारी करते मैं बोला अपन पंद्रह जन पिकनिक जा रहे ये भयंकर डिस्कशन मैं बोला यार अपने को जगह से क्या लेना देना है अपन पंद्रह जन साथ में है ओ तो पिकनिक उसको लेते लेते बारह जन ने तेरा साइट बताया लास्ट में सबने बोला ये महीना नहीं जाएंगे क्योंकि सबका मॉडल है उसका पिकनिक का मॉडल है कि समुदर होना चाहिए इसका मॉडल है कि रेती होना चाहिए उसका मॉडल है कि ग्रीनरी होना चाहिए इसका मॉडल है कि आसमान जीते और ऊपर पानी रहना चाहिए <laughs> तो किसका किसका मॉडल में तू सेट करेगा कभी पिकनिक होता ही नहीं साधारण एक पिकनिक भी हम नहीं जा पाते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का यू नो हर चीज का अपना एक परफेक्ट टाइम होता है एवरी थिंग हैजू है दिस थिंग और इसका मेजर एक थॉट ऐसा होता है आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल एंड मस्ट गेट दिशिएशन ऑफ ऑल द पीपल मैं नॉट ओनली सब परफेक्ट करना चाहिए दुनिया आके बोलना चाहिए क्या घर है क्या बच्चा पैदा किया है <laughs> मेरे पास तो कोई आके पूछता ही आपका बच्चा मेला हाँ यह कितना मेला मिला फेल हो गया और फिर मैं उसको देखता हूं कोई प्रॉब्लम है बोला नहीं ऐसा नहीं लेकिन जब मां बाप को डर लगता है ये बोलने के लिए कि बच्चा फेल हो गया तो मां बाप में वो हिम्मत नहीं होने की वजह से जो एग्जिस्टिंग अपना मॉडल है उसकी मारते रहते हैं क्योंकि मां बाप का मॉडल से बच्चा मैच होना चाहिए और बच्चा जब देखता है कि मैच नहीं कर पाता तो या तो डिप्रेस हो जाता है या घर छोड़ के भाग जाता है या आत्महत्या करता है और तुम्हारे बच्चे के साथ भी यही होएगा अगर फालतू में अपना मॉडल ठोकेगा तो हाँ अगर वो काबिल है तो कर ले काबिल है तो तेरी जरूरत ही नहीं ऐसे ही कर लेगा ना काबिल है और तेरे बोलने की वजह से होने वाला भी नहीं है मैं बोलता हूं तू क्यों मरवा रहा है मेरे को सब चीज मैं परफेक्ट करूंगा और मेरे को सब लोग क्या करना चाहिए ताली बजाना चाहिए मैं प्रोग्राम लूंगा तो लोग ताली बजाना चाहिए मेरी हर अदा पे लोग ताली बजावे मैं प्रोग्राम कब लूंगा क्योंकि मन में तो ताली पहला आ गया प्रोग्राम तो लेता ही नहीं और ताली के इंतजार में हूं और जब तक प्रोग्राम होगा नहीं ताली बजेगी कि नहीं ये तो पता भी नहीं चलेगा मन में बैठ के रोज सोच रहा हूँ ताली बजेगी जो दिन मेरे को लगता है ताली बजेगी वो दिन मैं प्रोग्राम लूंगा तब तक तो दूसरे प्रोग्राम करके चलेगा अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर में रोकड़ा कमा के अब चलते हैं दूसरी बीमारी जिसका नाम है क्रॉनिक